चलाओ गोली, अभी लाठी चलाया, गोली चलाओ, चलाओ गोली। भानु प्रताप शाही का सिंह तुम्हारे सामने है और हेमंत सोरेन हिम्मत है तो गोली चलाओ, चलाओ गोली हेमंत सोरेन। नमस्कार, हाजिर हूं मैं शेख मुजाहिद हुसैनाबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। आपकी सबसे बड़ी खबर मैं बता दूं आज के रांची में जेपीएससी परीक्षा रद्द होने पर परीक्षार्थियों के समर्थन में विरोध करने पर भानु प्रताप शाही पर लाठीचार्ज की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रांची जनता का आवाज नहीं बनने दे रहा हूं, जनता का आवाज नहीं बनने दे रहा हूं। भानु प्रताप शाही भवनाथपुर के बीजेपी विधायक भी हैं और वर्तमान विधायक का ये वर्तमान सरकार का विरोध करते हुए आप देख सकते हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्यार्थी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जेपीएससी की परीक्षा जो रद्द हुई है उसके विरोध में उतरे थे और उन पर लाठी चार्ज किया गया है। उनके ही जबानी आपको मैं सुना रहा हूँ, ये देखिए किस तरह से वो अपनी बीती सुना रहे हैं। जेपीएससी के चेयरमैन ने उनको बुलाया था, हम उनके साथ जा रहे थे और इस तरह से पुलिस के द्वारा डंडा चलाने का काम। इसका परमिशन नहीं मिला था, आपको पता होगा पुलिस ने परमिशन नहीं दिया था वहां तक जाने का। परमिशन कभी देती है क्या प्रोटेस्ट के लिए? कभी प्रोटेस्ट के लिए परमिशन मिला होता आप बताइए? हेमंत सोरेन जी कल विपक्ष में थे तो उनको मिलता था क्या? प्रोटेस्ट होता था कि नहीं होता था? किस चेयरमैन ने समय दिया था बताइए हमको? हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे, हमारा संवैधानिक अधिकार है। पिछले बार से पांच लोग गए थे, पांच की संख्या में गए थे अभ्यर्थी। नहीं बिल्कुल, हम लोग जाते हैं वहाँ, पांच ही लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ तक तो हम लोगों को जाने देता? क्यों रोका बीच रास्ते में? क्यों रोका? क्यों डंडा चलाया? चलाता अगर हम लोग पांच लोग से अधिक जाते तो उस गेट पे चलाता, उस गेट पे बात करता, उस तरह वहाँ लाठी चलाता तो हम लोग मानते कि हम लोगों की से गलती है, लेकिन यहाँ से वहाँ जाने में उसको क्या दिक्कत? तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही है। और यह तानाशाही हम लोग नहीं चलने देंगे। कितना गोली है हेमंत सोरेन के पास, चलवा ले, लेकिन जेपीएससी में घोटाला हम लोग नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री के दबाव में किया जा रहा है, निश्चित तौर पर हमारा कॉलर पकड़ा गया, हमारे पीठ पर लाठियां बरसाई आगे की क्या? हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष के ऊपर लाठियां बरसाई गई, हमारे सभी नेताओं के ऊपर। निश्चित तौर पर हम लोगों को जेपीएससी के चेयरमैन के पास जाना है, हमारे जेपीएससी के चेयरमैन के पास हम लोगों को जाना है, हमारे स्टूडेंट जाना चाहते हैं उनको जाने दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे महिलाओं, हमारे लड़कियों, हमारी बहनों को भी चोट पहुंचाई गई। आगे की क्या योजना होगी, आगे किस तरीके से हम लोग तय करेंगे? हम लोग जेपीएससी के चेयरमैन के पास मिलने जा रहे थे, हम लोगों को जाने दिया जाए, कोई भी इसमें बाधा ना पड़े। निश्चित तौर पर पहले ये हमारी प्राथमिकता है, हमारी पार्टी की प्राथमिकता है, कार्य समिति करने वाले लोग हमारे वहाँ उपस्थित है।